सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। सो यार, जैसा कि दिल्ली में अब धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन होने लग गया है, तो यार आज हम आ गए हैं दिल्ली के एक और बड़ी यूनिक सी जगह पे जिसका नाम है भारत दर्शन पार्क। भाई, भारत दर्शन पार्क का जो कंसेप्ट था वही जो वेस्ट टू वंडर पार्क वाला कंसेप्ट था कि 7 अजूबों को स्क्रैप आइटम से बनाया। और यहाँ पे जो ये भारत दर्शन पार्क है, इसमें ये है कि जो 21 मॉन्यूमेंट्स हैं उनके जो रेप्लिकाज हैं उनको ये स्क्रैप आइटम से बनाया गया। 350 टन के अराउंड स्क्रैप लगी भाई इसमें। ये अभी दिसंबर में इनॉग्रेट हुआ है, अभी तक क्लोज था यार ये, अभी फ्राइडे को ही ओपन हुआ है। अब वेस्ट टू वंडर पार्क भी ओपन हो चुका है भाई, तो होपफुली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो वेस्ट टू वंडर पार्क की ही होगी। तो भाई आज हम भारत दर्शन पार्क को बढ़िया से एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको भी फुल ऑन मज़ा दिलवाएंगे। रही बात जगह की लोकेशन की, तो भाई पंजाबी बाग वेस्ट इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जो कि पिंक लाइन पर पड़ेगा। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक टाइमिंग्स है। टिकट की बात करें तो नॉर्मल डेज में भाई 100 रुपये टिकट है, बट अगर आप वीकेंड्स में आओगे तो 150 रुपये टिकट है। और एक कंसेप्ट और है कि अगर आप इवनिंग में 5 बजे के बाद आओगे तो भी 150 रुपये टिकट है, क्योंकि इवनिंग में थोड़ी डेकोरेशन वगैरह हो जाती है, इन पर मॉन्यूमेंट्स और अच्छे लगते हैं, तो इसलिए 150 रुपये टिकट है। टाइमिंग्स हो गई, लोकेशन हो गई, टिकट हो गया। तो चलो भाई फटाफट से अंदर भारत दर्शन पार्क में एंटर कर रहे हैं। सब कुछ बढ़िया से फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, बट पहले लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो का कंक्लूजन ज़रूर देखना। मैं हर वीडियो के एंड में कंक्लूजन ज़रूर देता हूँ कि जो पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस था। तो चलो भाई फटाफट से अंदर एंटर करते हैं और आपको सब कुछ बढ़िया से एक्सप्लोर करवाते हैं। तो फिर चलना यार। तो चलो यार भारत दर्शन पार्क में फटाफट से एंटर करते हैं। यार जो आप सामने व्हीकल देख रहे हैं ये बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए है। जैसे सीनियर सिटीजन्स को ये पूरा भारत दर्शन पार्क घूमना है तो उसके लिए आप 50 रुपये पर पर्सन के चार्ज के हिसाब से आप इसको सर्विस को ले सकते हैं। ये यार पूरी लिस्ट लगी हुई है जो जो मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, बट पहले यार टिकट लेंगे, देन टिकट लेने के बाद आपको ये पूरा दिखाऊँगा लिस्ट। यार ये टिकट ले चुके हैं हम, 100 रुपये की टिकट है एंड ये भारत दर्शन पार्क का मेन एंट्री गेट है हमारा। एंड ये सारी लिस्ट यार जो जो इस पार्क के अंदर जो रेप्लिकाज हैं मॉन्यूमेंट्स के, जो आड़ कबाड़ से 21 मॉन्यूमेंट बनाए हुए हैं, ये पूरी लिस्ट है उन 21 मॉन्यूमेंट्स की। जैसे कि हमारा गेट ऑफ इंडिया है, ताजमहल है, मैसूर हाउस है और आपका चार मीनार है, ये पूरे 21 मॉन्यूमेंट्स हैं। तो चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए अंदर एंटर करते हैं। तो यार फाइनली हम एंटर कर चुके हैं भारत दर्शन पार्क के। ये SDMC ने इनॉग्रेट किया था इसीलिए यहाँ पे SDMC लिखा हुआ है। ये स्टार्टिंग में ही कुछ ऑटोमेटिक मशीन सी है भाई, खाने पीने से कुछ आपको चाहिए तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। यार पहला जो मॉन्यूमेंट मेरे को ये सामने दिख रहा है वो है हमारा गेट वे ऑफ इंडिया। यार देखो कितना रियल सा लग रहा है ये, हालांकि ये आड़ कबाड़ से बना हुआ है पूरा, लेकिन काफ़ी हद तक रियल लग रहा है बिल्कुल। यार ये बोर्ड लगे हुए हैं हर मॉन्यूमेंट के पास से, इसमें रियल वाला और स्क्रैप वाला दोनों को कंपेरिजन करके दिखाया हुआ है। इसको यार मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, देखो मतलब दूर से तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल से, लेकिन पास से देखो प्योर लोहा है ये। देखते हैं इसके अंदर जाके क्या आर्किटेक्ट किया हुआ है। ये सामने भी कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, पता नहीं क्या है ये सामने। सच में यार देखो बिल्कुल प्योर लोहा ही है, दूर से बिल्कुल रियल सा लग रहा है। देखो बिल्कुल जैसे कहते हैं प्योर लोहा, सब आड़ या कबाड़ से ये सब कुछ। ये ऊपर देखो ये जो साइकिल की ट्यूब एंड टायर्स होते हैं उससे इसकी छत को बनाया हुआ है, तो प्रॉपर जैसे कहते हैं ना वेस्ट को रीयूज़ किया गया है। भाई ये सामने जो दिख रहा है पता नहीं यार ये क्या कंसेप्ट है, दूर से देखने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा भी लग रहा है, पता नहीं कौन सा मॉन्यूमेंट है। तो पहले यार इसको चल के देखते हैं कि कौन सा मॉन्यूमेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा भी लग रहा है दूर से देखने में। ये है भाई बेनियन ट्री, पता नहीं यार ये मॉन्यूमेंट में आता है बेनियन ट्री है क्या है, लेकिन हाँ ये बेनियन ट्री है। तो भाई हमारे अभी तक दो मॉन्यूमेंट कवर हो चुके हैं, एक गेट वे ऑफ इंडिया एंड एक बेनियन ट्री। अब थर्ड मॉन्यूमेंट की तरफ चलते हैं। ये भाई लग तो हवा महल ही रहा है, हाँ हवा महल ही है वैसे।
बिल्कुल सही जवाब, ये है हवा महल जो कि जयपुर। देखो दोनों बोर्ड लगे हुए हैं, एक में रेप्लिका वाला और एक जो ओरिजिनल बोर्ड है वो। इसमें देखो मटेरियल यूज़ लिखा हुआ है, प्रोसेस क्या है, डायमेंशन वगैरह सब कुछ प्रॉपर लिखा हुआ है। और ये हवा महल स्क्रैप आइटम वाला बिल्कुल रियल ही लगता है यार, मतलब आप जो बोर्ड लग रहे हैं दोनों उनसे अगर कंपेयर भी करोगे बिल्कुल एक्जैक्टली सेम लगता है। हालांकि आड़ कबाड़ से बना लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लगता है। अगर रात के टाइम इवनिंग टाइम में आप इनको देखोगे तो और अच्छा लगेगा कि लाइटिंग एंड डेकोरेशन इवनिंग टाइम में और अच्छा लगता है। तो वही बढ़ते हैं हमारे चौथे मॉन्यूमेंट की तरफ। ये हमारा चौथा मॉन्यूमेंट है जो कि है गोल गुंबज, देश का सबसे बड़ा गुंबज। ये पूरी डिटेल्स इस गुंबज से रिलेटेड, डायमेंशन, मटेरियल यूज, प्रोसेस सब कुछ बोर्ड पर। एंड ये सामने हमारा गोल गुंबज, एक तो यार मेंटेन बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है इन्हें, फोटोजेनिक फोटोज़ वगैरह अलाउड है बिल्कुल। हर मॉन्यूमेंट्स के पास गार्ड्स हैं, आप टच नहीं कर सकते, लाइक इनको जो जैसे जंजीर है इन सब में टच करना अलाउड नहीं है। फोटोज़ क्लिक करो नो इशू, लेकिन टच वगैरह नहीं कर सकते आप इनको। तो भाई चार मॉन्यूमेंट कवर हो चुके हैं, पांचवी तरफ आगे बढ़ रही है, शायद कुतुब मीनार ही है, खैर इसमें तो क्या ही गेस करना। हमें यार 21 मॉन्यूमेंट कवर करने हैं, आप गिनते रहना साथ साथ। ये पांचवा मॉन्यूमेंट जो कि कुतुब मीनार, ये इसकी पूरी डिटेल्स बोर्ड पर। यार मुझे यहाँ पर ये जो बैठने वाला एरिया है, ये जो जगह जगह टॉम से बनाए हुए हैं बैठने के लिए, ये बड़ा सही लगा। सिटिंग एरिया बहुत है इस जगह पे, ये सब खाने पीने कुछ अगर बैग में भी लाते हो तो अंदर आराम से बैठ के खा पी सकते हो। बहुत सुंदर तरीके से सिटिंग एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे, मतलब हर जगह दिख जाएगा। हर मॉन्यूमेंट के आसपास बहुत सारा सिटिंग एरिया है, आप घर से कुछ लाते हो खाने पीने के लिए तो कोई इशू नहीं, बढ़िया बैठ के खा पी सकते हो और अंदर तो आपको मिल ही जाता है। ये है भाई अगला मॉन्यूमेंट जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी। कि नालंदा यूनिवर्सिटी यार सभी को पता होगा, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता है वर्ल्ड की, नालंदा यूनिवर्सिटी को। ये पूरी हिस्ट्री वगैरह लिखी रही है यहाँ पे इसकी। एंड ये सामने नालंदा यूनिवर्सिटी का रेप्लिका जो कि डिट्टो बनाया हुआ है बिल्कुल। ये देखो भाई यहाँ पर भी सिटिंग एरिया, मतलब हर मॉन्यूमेंट के पास इतना बढ़िया सिटिंग एरिया दे रखा है इन्होंने, मतलब अगर आप पिकनिक वगैरह आना चाहो तो बढ़िया आ सकते हो, बहुत है सिटिंग एरिया। ये हमारा अगला मॉन्यूमेंट, लग तो यार ये कुछ टेंपल सा रहा है। इसके बोर्ड पे देखते हैं पहले ये कौन सा टेंपल है। ये सब भाई पूरी डिटेल्स इस टेंपल की। ये टेंपल है भाई हमारा मीनाक्षी टेंपल। एंड ये इसके साइड में ओरिजिनल वाला ये है, एंड इसके राइट हैंड साइड पे रेप्लिका वाला। यार ये देखो जो ये वेंडिंग मशीन है, ये भी हर मॉन्यूमेंट के अराउंड है, क्योंकि ये काफ़ी, एक तो यार ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है तो इसलिए सारी फैसिलिटीज़ का बढ़िया से प्रबंध है। सिटिंग एरिया हो, चाहे वॉशरूम्स हो, चाहे हमारा ये वेंडिंग मशीन्स हो गई, मतलब हर मॉन्यूमेंट के आसपास है ये, मतलब सब चीज़ों की फुल फैसिलिटी है। अब भाई ये रास्ता जा रहा है, ये तीन मॉन्यूमेंट यहाँ पे, द्वारकाधीश टेम्पल, दीपस्तंभ एंड जगन्नाथपुरी टेम्पल। एक तो यार काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, जैसा कि ये सामने शायद मेरे को दिख रहे हैं तीन या चार मॉन्यूमेंट हैं इस लाइन में। कुछ मॉन्यूमेंट्स उस साइड हैं, जैसे हम गेटवे ऑफ इंडिया हो क्या है भी, और जो बैनियन ट्री देखा हमने, एंड जो हवा महल देखा वो राइट हैंड साइड में थे। अब ये मॉन्यूमेंट इस लाइन में है, मतलब काफ़ी पीसफुल सी जगह है, पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हो यार आप, फोटोजेनिक भी है लोकेशन, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, बढ़िया एकदम। और 100 रुपये यार सिर्फ एंट्री टिकट है, तो यार और क्या ही चाहिए। ये देखते हैं राइट हैंड साइड पे कौन सा मॉन्यूमेंट है हमारा या टेंपल है। यार शायद बद्रीनाथ टेंपल हो सकता है, क्योंकि बाहर जो लिस्ट थी मैंने उसमें पढ़े थे किस मॉन्यूमेंट की लिस्ट पूरी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, तो शायद ये बद्रीनाथ टेंपल हो सकता है। और ये बद्रीनाथ टेंपल ही है, ये ओरिजिनल बद्रीनाथ टेंपल लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में इसका एक्जैक्टली एक रेप्लिका। मटेरियल तो खैर ऑलमोस्ट सब में सेम ही यूज़ हुए हैं, चाहे पोल्स हो, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह, साइकिल की ट्यूब हो गई, टायर हो गए, इलेक्ट्रिक जो चैन वगैरह होती है ये सब कुछ वही। ये भी यार कुछ टेम्पल से लग रहा है जो इसके नेक्स्ट साइड में ही है। देखो जो फ्लैग है वो भी बिल्कुल जो हमारा स्क्रैप आइटम है उससे ही बना है फ्लैग भी, टेम्पल या पता नहीं कौन सा टेम्पल है।
ये हमारा द्वारकाधीश टेम्पल, मतलब बड़ा सही नाम रखा है इसका, भारत दर्शन, मतलब पूरे इंडिया के दर्शन ही हो जाते हैं आपके, भारत के दर्शन ही हो जाता है वो भी NCR में। ये द्वारकाधीश टेम्पल हमारा, एंड इसके जस्ट साइड में बद्रीनाथ टेम्पल, ये द्वारकाधीश टेम्पल। ये पूरी लाइन टेम्पल को ही डेडिकेट की गई है शायद, नेक्स्ट वाला भी शायद टेम्पल से लग रहा है कुछ। ये भारत दर्शन की प्रॉपर बैजिंग, ये भी यार कोई टेम्पल से लग रहा है। पहले हम बद्रीनाथ घूमे फिर द्वारकाधीश घूमे, अब ये टेम्पल देखते हैं कौन सा वाला है। ये हम रामेश्वरम आ गए भैया, हम रामेश्वरम टेम्पल है। ये पूरी इसकी हिस्ट्री वगैरह लिख रही है, ये इसकी डिटेल सब कुछ, मटेरियल यूज एंड वही सब कुछ प्रोसेस वगैरह। अब इस लाइन में आ रही लास्ट टेम्पल बच रहा है, चौथा टेम्पल ही होगा ये भी। ये पूरी लाइन ही टेम्पल्स को डेडिकेट करी गई है, ये लास्ट है इस लाइन में। फिर हम शायद दूसरी साइड देखेंगे कौन से मॉन्यूमेंट हैं, पता नहीं कितने हो गए, मैंने काउंट तो नहीं करे, बट शायद 8 या 10 मॉन्यूमेंट कवर हो चुके हैं। ये भी कोई टेम्पल ही है, देखते हैं अरे कौन सा टेम्पल है, इसके बोर्ड से पता करते हैं। तो भाई अब हम आ गए जगन्नाथपुरी, जो कि 4 धाम में से 1 धाम कवर हो गया भाई, वो भी दिल्ली में। 1 धाम की यात्रा होगी भाई हमारी जगन्नाथपुरी। ये 4 टेम्पल थे यहाँ पे, बद्रीनाथ हो गया, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और ये लास्ट वाला जो कि जगन्नाथपुरी, ये आई थिंक उड़ीसा में है जो उसका रियल वाला है। ये देखो 4 टेम्पल कवर हो गए इस लाइन में भाई। ये वाला एरिया कवर हो ही गया है जो कि टेम्पल वाला है। अराउंड 10 से 11 मॉन्यूमेंट भाई हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम दूसरे वाले एरिया में जा रहे हैं, सामने इंडिकेशन लग रहा है शायद कुछ 4 मॉन्यूमेंट्स का। एक तो भाई ये है महाबत महल, एक ये है सांची स्तूपा, विक्टोरिया मेमोरियल एंड हम्पी। ये यार कुछ महल टाइप लग रहा है, देखते हैं इसके बोर्ड की इंडिकेशन में ये कौन सा मॉन्यूमेंट है भाई। ये है महाबत पैलेस, बड़ा हिस्टोरिकल होगा यार ये भी, महाबत पैलेस, ये पूरी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है यार महाबत पैलेस, मेरे को रियल में तो खैर ऑनेस्टली नहीं पता है कहाँ पे है, बट यहाँ पे स्क्रैप से भी बड़ा ही सुंदर लग रहा है मेरे को ये। ये आ गया भाई हमारा अगला मॉन्यूमेंट, ये भाई सांची स्तूपा है जहाँ तक मेरे को पता है, पक्का ही सांची स्तूपा ही है। और हाँ भाई ये सांची स्तूपा ही है, बिल्कुल रियल सही है लग रहा है सांची स्तूपा। अभी तक क्या मेरे को जितने मैंने अभी तक देखे, आगे भी और देखने मॉन्यूमेंट, महाबत पहले सबसे सुंदर लगा मेरे को ये सांची स्तूपा हमारे सामने। ये आ गया भाई हमारा अगला मॉन्यूमेंट, यहाँ सच में काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है तो बहुत चलना पड़ रहा है मॉन्यूमेंट अलग अलग साइड से सारे। ये है विक्टोरिया पैलेस, ये है भाई अगला मॉन्यूमेंट। इसका भाई मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है क्या है ये। ये है भाई वैसे हम्पी रथ, यार मतलब क्रिएटिविटी देखिए, मतलब उस टाइम पे के हैं ये आर्किटेक्चर उस टाइम के, और आज इनको सिर्फ स्क्रैप आइटम से बनाया हुआ है और बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं ये। तो भाई अब हम जा रहे हैं ताजमहल एंड मैसूर प्लेस को कवर करने। ताजमहल का तो खैर मैंने व्लॉग भी बनाया था, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर जरूर देखें, सच में बड़ा ही सुंदर लगता है रियल में। अब हम देखेंगे स्क्रैप आइटम से कैसा लगता है बना हुआ ताजमहल। ये भाई सामने हमारा ताजमहल सेम ही बनाया हुआ है बिल्कुल, हाँ रियल वाला फील तो नहीं आएगा इसमें स्पेशली मैं कह सकता हूँ।
बट हाँ, स्क्रैप आइटम से बनाया है तो उस हिसाब से बहुत एग्जैक्टली मान सकते हो आप, बहुत सुंदर लग रहा है अभी ये, बट रियल की तो खैर बात ही अलग है। तो ये भाई ताजमहल। अब इस वाली लाइन में एक मैसूर प्लेस और है, उसको और कवर करते हैं पहले। सो होपफुली यार वीडियो पसंद आ रही होगी। अब एक या दो मोन्यूमेंट बचे हैं, ताजमहल हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गए अब दो मोन्यूमेंट। अब शायद कोणार्क टेम्पल एक शायद वो रहता है, बाकी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कंक्लूजन बस होने ही वाला है, एक या दो मोन्यूमेंट बच रहे हैं, फिर वीडियो का कंक्लूजन देंगे कि क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। तो चलो जल्दी से एक लास्ट या जो भी एक या दो मोन्यूमेंट बच रहे हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं फटाफट से। अब आप मेरी शक्ल मत देखो, सामने मोन्यूमेंट है उसकी तरफ देखो। ये है भाई सामने हमारा मैसूर प्लेस। यहाँ पे ताजमहल और मैसूर प्लेस ही है, ये मेनली दो हैं इस वाले एरिया में। ये मैसूर प्लेस है, अभी तक शायद सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट यही देखा है मैंने। अभी कुछ बच रहे हैं, क्या पता इनसे भी बड़ा हो उससे भी, बट अभी तक यही सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट दिखा मेरे को यहाँ पे। ये मैसूर प्लेस है, ये सब कुछ भाई इस बोर्ड पे हिस्ट्री वगैरह एज़ यूजुअल लिखी हुई है सब कुछ मैसूर प्लेस के बारे में। अब बस यार ये चार मॉन्यूमेंट्स ही रह रहे हैं, तो जल्दी से इन चार मॉन्यूमेंट्स को कवर करते हैं और वीडियो की कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ये है भाई सामने हमारा चार मीनार हैदराबाद वाला। हाँ ये तो चार मीनार ही है, अब शायद तीन और लास्ट मॉन्यूमेंट बच रहे हैं। ये चार मीनार हैदराबाद, एंड ये कोणार्क टेम्पल भाई। ये सामने आया कोणार्क टेम्पल, ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है यार देखने में, मेंटेन बड़ी अच्छी तरीके से किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर मॉन्यूमेंट के पास ये गार्ड आपको मिल जाएंगे। ये भाई अजंता एंड एलोरा मॉन्यूमेंट जो है हमारा, जो गुफा है अजंता एंड एलोरा की बड़ी फेमस गुफा है, ये उसका रेप्लिका है। तो फाइनली यार हम आ चुके हैं हमारे लास्ट मॉन्यूमेंट पर। ये भी कुछ टेंपल लग रहा है यार, पता नहीं कौन सा टेंपल है, देखते हैं पहले। ये है भाई टेंपल खजुराहो टेंपल, नाम तो यार मैंने नहीं सुना, पहली बार ही सुना है, बट हाँ इतना पता है ये लास्ट मॉन्यूमेंट था हमारा इस जगह का। 21st मॉन्यूमेंट है ये, 21 मॉन्यूमेंट पूरे कवर हो चुके हैं, कुछ रह गया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, बट मेरे हिसाब से मैंने 21 पूरे कवर कर दिए इस वीडियो में। तो भाई ये था 12 दर्शन पार्क का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करके जाना। अब बात आती है भाई वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन बड़ा ही पॉजिटिव था भाई, 100 रुपये एंट्री टिकट में पूरा वसूल जगह है, फोटोजेनिक लोकेशन भी है और बड़ी ही यूनिक जगह भी है, तो आप बिल्कुल ट्राई करें। मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि भाई आप इवनिंग टाइम में आएँ, क्योंकि उस टाइम लाइट एंड डेकोरेशन से और अच्छा लगता है। उसके लिए 150 रुपये टिकट है इवनिंग टाइम में, 5 बजे के बाद अगर आप आओगे तो उसके लिए 150 रुपये एंट्री टिकट लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार ज़रूर लाइक करके जाना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो
तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अमेजिंग से ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए। तो चलो भाई, एंड हाँ, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो मैं वीडियोस में और इम्प्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करके जाना। एंड अगर आप कोई चाहते हो कि मैं कोई जगह एक्सप्लोर करूँ जो आपकी फेवरेट जगह हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना मेरे को, मैं जल्द से जल्द उस जगह को एक्सप्लोर करके वीडियो डालूंगा चैनल पे। तो चलो भाई, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अमेजिंग से ब्लॉग में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।